अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम टू आवर चैनल होम किचन। आज हम एक मीठे की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि झटपट से मीठा बन जाएगा और बहुत मज़ेदार सा बनता है। ये सब बहुत पसंद करते हैं इसको। हम बनाएंगे सेवइयों का ज़रदा, जिसके लिए हमने ये सेवइयाँ ले ली हैं और इसको हाथ से इसे बारीक कर लिया है। चीनी हमने इसमें 3 बड़े चमचे लिए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 चमचे घी है, 1 चुटकी ली है हमने जर्दे का रंग, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, सिर्फ एक कलर के लिए है ये। और 3 हमने छोटी इलायची ली है, छोटा सा एक खोपरे का टुकड़ा था जिसको हमने बारीक काट लिया है, और 7 से 8 बादाम और पिस्ते हमने मिक्स करके ले लिए जिसको बारीक काट लिया है। तो चलें हम जल्दी से अपनी ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं और ये बहुत जल्दी से बन जाती है जी। तो गाइस पैन हमने रख दिया है, अब हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। बहुत अच्छा लगता है ये ज़रदा सिवयों का, और मेरा तो फेवरेट है सिवयों की हर चीज़ ही। ये 2 चमचे जो हमने घी लिया था ये डालेंगे और इसमें सिवयों को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे इलायची। इलायची को खोल के नहीं डालना, बस ऐसे ही डाल दें। ये देखें ये फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसमें डालेंगे सिवैयाँ और इनको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई अच्छे से करके इसमें चीनी ऐड करेंगे हम। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, कुछ लोग हल्का मीठा पसंद करते हैं, जैसे सिवैयाँ थोड़ी सी हल्की मीठी ही अच्छी लगती हैं। बस चलाते रहना है, ये ख्याल रखें कि ये जले नहीं और आँच हमारी स्लो हो। ये फ्राई हो गई हैं, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी को मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हम फूड कलर। ये हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे और इसको जल्दी से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1/2 गिलास पानी जाएगा और ये दम पे रख देंगे। ये बहुत झटपट से जाती बनती है ये रेसिपी। इसका कलर बहुत प्यारा आया है, अब हम इसको स्लो आंच पे दम पे रखेंगे, फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है, ये देखें ये बस स्लो स्लो पकेंगी और इसको हम कवर कर देंगे। 5 से 10 मिनट दम पे रहेगा ये और फिर हम डिश आउट करते हैं। ये हमने फ्लेम हमारा ऑफ कर दिया था, ये देखिए बहुत प्यारी सी शक्ल आई है, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा ज़रदा। अब थोड़े से इसमें हम पिस्ता बादाम जो है वो डालेंगे और खोपरा और बादाम इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो हम कटोरी है छोटी सी प्यारी सी, इसमें निकालेंगे और आपको ड्रेसिंग करके दिखाते हैं। इसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको हमारी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। हमने इसमें चांदी के वर्क सजा दिए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये मीठे में,
और थोड़े से इसमें हम डालेंगे बादाम और थोड़े से खोपरा। सही है, देखेंगे बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा हमें जर्दे की रेसिपी आपको कैसी लगी है। झटपट से बनने वाली है, जब भी मीठा खाने का मूड हो तो आप फौरन से इसको बना सकते हैं। और मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें।